हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम लोग जो हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का अपडेटेड सिलेबस 2019 का हमने पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, तो उसके अंदर पार्ट जो यूनिट 10 था, यूनिट 10 का आधा अधूरा किसी प्रॉब्लम की वजह से रह गया था, ठीक है। तो आज हम लोग इस क्लास में इसको कंप्लीट करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जो हमारे चैनल से जुड़ गए हैं तो उनके लिए थैंक यू, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, हमारी क्लास से जुड़ने के लिए। एंड जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, जो अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको जो भी मैं नया कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। एंड चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपडेटेड सिलेबस ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिट 10, ठीक है। और मैं मीनाक्षी सिंह तो आप लोगों का सबका स्वागत करती हूँ अपनी क्लास में। तो चलिए देखिए, यूनिट 10 में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। गवर्नेंस, ठीक है, गुड गवर्नेंस, सुशासन, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को हमें रीड करना है, स्टडी करना है। रोल ऑफ स्टेट की, एक स्टेट की, एक राज्य की क्या भूमिका होती है, ठीक है। इसमें सिविल सोसाइटी को हमें पढ़ना है, इंडिविजुअल्स, ठीक है, इसके अंदर इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, जैसे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को हमें पढ़ना है फॉर चेक्स एंड बैलेंसेस। लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, कि लेजिस्लेटिव कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी कंट्रोल को हम पढ़ेंगे, कंट्रोल थ्रू पार्लियामेंट्री कमिटीज़। जुडिशियल कंट्रोल ओवर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को हमें रीड करना है, करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस, इसमें हम पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है, RTI, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिटीजन चार्टर को हमें पढ़ना है, ग्रीवेंस रिड्रेस सिस्टम को हमें पढ़ना है, ओम्बड्समैन जो है उनका ये भी हमें पढ़ना है, लोकपाल, लोकायुक्त, ये भी हमें स्टडी करना है, ग्रास रूट्स गवर्नेंस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड देयर फंक्शनिंग, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस, नीति आयोग हमें पढ़ेंगे, पब्लिक पॉलिसी को हमें पढ़ना है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक पॉलिसीज विद स्पेशल रेफरेंसेस टू हाउसिंग, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा हमें पढ़ना है, NHRM पढ़ना है, RTE पढ़ना है, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी को हमें पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबल, जन सुनवाई, ठीक है, जन सुनवाई एंड सोशल ऑडिट, ये सभी हम लोगों को स्टडी करना है, ठीक है। जून में आप लोगों का एग्ज़ाम है तो उसकी जो प्रिपरेशन है फ्रेंड्स, मैं आपको जयदेव क्लासेस फॉर JRF इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो है JRF की, JRF लेना है एक तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को। एंड मैं अभी आप लोगों को जो करा रही हूँ आप लोगों को पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आज मैं आप लोगों को, आज ही मैं भी एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, उसके अंदर हम लोग बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे पंडिता रमाबाई, ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू। प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, थैंक यू, एंड शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ, थैंक यू सो मच।